हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पुरानी दिल्ली के मशहूर राम लड्डू। मूंग की दाल के राम लड्डू होते हैं। इसको आलू के लच्छे, कटी प्याज, चाट मसाला, ये मेरे घर का चाट मसाला है, मेरे चैनल पे अपलोड है। ये खट्टी चटनी है, टमाटर इमली वाली चटनी, ये भी चैनल पे अपलोड है। ये मीठी चटनी है, मैंने आम के सूखे आम के पीसेस से बनाई थी, ये भी चैनल पे अपलोड है। ये दही है, इन सब को डालकर सर्व किया जाता है। इस पे लच्छा आलू के डालकर ऊपर से सर्व किया जाता है। हमने एक कप मूंग की धोई दाल को लेकर 2-3 घंटे भिगो दिया था। 2-3 घंटे बाद इसको हमने मिक्सी में बिना पानी के चला लिया। ये देखिए दाल पिस गई है। इसमें हम 4 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और इसको खूब फेंटेंगे, 5 से 10 मिनट फेंटेंगे ताकि ये हल्की हो जाए। फिर इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ही हमने नमक और 1/4 चम्मच ही अजवाइन डाली है और इसको फिर फेंटेंगे। इसमें फेंटना मेन है, फेंटने से भी दाल हल्की होगी और एकदम फ्लफ़ी बनेगी। इधर हमने 4 बड़े चम्मच तेल गरम करा मीडियम हीट पर। इसको हमने गोल गोल लड्डू जैसा तेल में तोड़ दिए हैं और इनको मीडियम हीट पर ही फ्राई होने देंगे ताकि ये अंदर तक खूब फ्राई हो जाए, बाहर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। ये तेल में ऊपर आ जाएंगे हल्के होकर, इसका मतलब है ये सही बने हैं। इनको हम हिलाते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए। इस लड्डू को वो लोग एक बार दबा कर फिर से फ्राई करते हैं, तो मैंने इसमें से कुछ तो दबा दिए, कुछ साबुत ही रखे थे। इनको दबा कर हमने गरम तेल में फिर एक बार इनको फ्राई किया। ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे लड्डू तैयार हैं। अब इसके लिए आलू लच्छा बनाने के लिए हमने आलूओं को लच्छे में काट लिया है, जूलियंस में, कद्दूकस में एक होता है उसी से हमने काटा है। इसमें हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला, इसको टॉस किया है। इसको उसी तेल में हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इनको भी हम सुनहरा होने तक, कुरकुरा हो जाए तलेंगे। बिल्कुल ही लो से मीडियम हीट रखना है, बहुत तेज़ हीट पर ये जल जाएंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे। इसलिए आप इनको अच्छी तरह से चलाते रहें बीच बीच में, और ये हमारे सुनहरे होने तक तल गए। राम लड्डू, मूंग की दाल के प्याज के पकौड़े, मूंग की दाल के आलू के पकौड़े।